नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, आज वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और उस पर जानेंगे रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1790 पर है और चांदी यानी कि सिल्वर $24.1 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर। हम देख रहे हैं कि सोना $1800 से नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। दरअसल डॉलर में तेजी और ये जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें तेजी के चलते सोने चांदी की कीमतों में एक हल्की सी नरमी देखने को मिली है। और दूसरा, ये जो सेंट्रल बैंक की जो बैठक होने वाली है अब, उस पर भी निवेशकों की नज़र है, जिसकी वजह से अभी सोने चांदी की कीमतों में सेफ हेवन जो डिमांड थी और त्योहारी सीजन के चलते जो डिमांड निकली थी वो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग में कम होती हुई नजर आई है। घरेलू बाजारों के अंदर हाजिर में सराफा में जो खरीदारी है सोने की ठीक ठाक ही है, ज़्यादा तेजी भी नहीं तो ज़्यादा मंदी भी नहीं है। त्यौहार के चलते थोड़ी मांग बढ़ी है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरनेशनली जो दाम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हल्की उठापटक के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोना $1800 से नीचे फिसला है, आपको अब क्या लगता है जिस हिसाब से अब आगे बैठक होने वाली है बैंकों की और US डॉलर भी तेज दिखा था जिसकी वजह से सोने में उठापटक मिली है, अब आगे सोने चांदी का रुझान कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, जहां तक सोने और चांदी की बात है, देखिए अखिलेश, जो आज सोने के अंदर गिरावट देखने को मिली है, दरअसल US का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है वो बड़ा है, इस वजह से डॉलर में जो है स्ट्रेंथ आई है और उसका इम्पैक्ट जो है हमें गोल्ड के ऊपर आते हुए हमने दिखाई दिया, और आज गोल्ड की कीमतें ऊपरी स्तरों से लुढ़कती हुई नजर आ रही हैं। सोना और चांदी दोनों ही आज इंट्राडे में गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपरी स्तरों पर, और $1800 के नीचे एक बार सोना फिर फिसल चुका है। तो यहाँ पर जो रेंज बनती हुई नजर आ रही है 1780 और ऊपर में 1800 1820, फिलहाल इसी रेंज में सोना घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन गिरावट के अंदर मुझे लगता है कि 1780 से अगर नीचे लुढ़का तो $1760 एक अहम सपोर्ट हो सकता है, और वहां पर एक अच्छी खरीदारी वापस से आती हुई हम सोने के अंदर देख सकते हैं। इंट्राडे में आज सोने के अंदर दबाव बन सकता है, इंट्राडे में आज सोने के अंदर बिकवाली का रणनीति लेकर चल सकते हैं, लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की है। छुटमुट करेक्शन के बाद जो है सोने के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि त्योहारी सीजन की मांग के चलते आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में एक उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी ये सर, रूपा जी देख रही है कच्चे तेल में आज भी $85 का लेवल देखने को मिल रहा है, हालांकि हल्की नरमी के साथ है, लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में जो प्रॉफिट बुकिंग बनी है ये हल्की सी ये एक्सटेंड होगी, या फिर यहाँ से कच्चे तेल की कीमतें अभी भी संभल सकती है कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड के चलते? देखिए, कच्चे तेल की कीमतें जो है वो अभी पीछे लगातार जो प्राइसेस के अंदर एक तेजी आई थी, और दूसरा आपको बता दें कि इन्वेंट्री एक बार फिर से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज हुई है और फ्यूल इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हुई है US में, उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल जो है ऊपरी स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो है 2.3 मिलियन बैरल्स पिछले हफ्ते के जो अक्टूबर 22 को खत्म हुआ है उस के दौरान बढ़ी है, और इसी का इंपैक्ट जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। वहीं गैसोलीन का स्टॉक भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 5 लाख बैरल्स के आसपास। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके चलते अभी कच्चा तेल जो है वो दबाव में आया है, और अभी प्रेशर जो है थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है नीचे में $82 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर में वहीं 85 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो ऊपर में 86-88 जा सकता है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एक बार 6,300-6,280 तक नीचे लुढ़क सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आज बेस मेटल्स में तेजी के बाद नरमी देखने को मिल पाएगी?
देखिए छुटपुट ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिल रही है सभी बेस मेटल्स के अंदर। निकल में भी ऊपरी स्तरों से दबाव आया है, एल्युमिनियम भी फिसला है और वहीं आगे चलकर लग रहा है कि छुटपुट गिरावट जो है वो बन सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जिंक भी 282 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गिरावट के बाद एक बार फिर से बाजार संभलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंट्राडे में आज बेस मेटल्स के अंदर बिकवाली की कॉल लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आपको कैसे रुझान लगता है अब? देखिए अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि छुटपुट गिरावट जो है वो सोने चांदी के साथ साथ बेस मेटल में भी बनी रह सकती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत डिप आ सकता है, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। कॉपर नीचे में अगर आपको 752 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है, और ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार फिर से कॉपर 780 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम सीवी पर।